परीलोक की सैर। कहानी का नाम है परीलोक की सैर। एक दिन शाम को चंदा खेलकर अपने घर जा रही थी। उसने झाड़ियों के पीछे एक चमकदार चीज देखी, यानी चमकता हुआ चीज। पास जाकर देखा तो पाया कि यह जादुई छड़ी है। चंदा ने सोचा, शायद किसी परी की छड़ी वहाँ गिर गई है, मैं उसे वापस कर दूंगी। रात में जब घर के सभी लोग सो गए तो वह छड़ी लेकर छत पर गई। जैसे ही उसने छड़ी घुमाई, एक सुनहरी परी उसके सामने प्रकट हो गई। परी अपनी छड़ी पाकर खुश हुई। उसने चंदा से कहा, तुम्हें क्या चाहिए? क्योंकि परी काफ़ी समय से उस छड़ी को खोज रही थी और चंदा ने उसे आज उस छड़ी को उसे वापस कर दिया था, इसलिए परी उसे काफ़ी खुश थी। इसलिए उसने उसे कहा, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हारी वो विश पूरी करूँगी। चंदा बोली, वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन यदि आप चाहती हैं तो मुझे परीलोक घुमा दीजिए। परी ने तुरंत उसे अपने जैसे पंख लगा दिए और चंदा परी के साथ परीलोक उड़ चली घूमने के लिए। उसने देखा, परीलोक तो बहुत सुंदर है, ना कहीं गंदगी है और ना कहीं पर शोर शराबा है। वह हर जगह पेड़ पौधे और सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। उसने सोचा, हमारी धरती ऐसी क्यों नहीं है। घूमते घूमते सुबह हो गई। परी ने कहा, चंदा अब घर चलो। चंदा परी के साथ धरती की ओर चल पड़ी। रास्ते में वह सोचते रहे कि धरती परीलोक जैसी कैसे बन सकती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि परीलोक की तरह हम भी अपनी धरती को साफ सुथरा रख सकते हैं।